हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तुम्हारा भाई आया हुआ है एक नई नवेली दुकान पर जो कि खोली है हमारे कन्नू भाई ने। कन्नू को अगर कोई जानता नहीं तो मैं उसको बुलाऊंगा, इंट्रोड्यूस करा दूंगा। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जिनको पता है कि भाई मनीष दुकान पर वीडियो बनाता था, तो वहाँ पर है उसका छोटा भाई था जो उसे अंडर काम कर रहा था, बट उसने भी अभी रिसेंटली दुकान ओपन करी है। तो भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ पर उसकी दुकान पर आऊँ और उसकी दुकान प्रमोट करूँ, क्योंकि आप लोग जब तक जानोगे नहीं कि भाई यहाँ पर भी दुकान खुल गई तो आप आओगे कैसे, है ना। तो भाई सबको जो है भाई उम्मीद होती है, तो मेरे को भी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है कि भाई कुछ नया नया सामान मिलेगा देखने को। तो मैं आज आपको एक बाइक दिखाने वाला हूँ स्प्लेंडर, जो कि फुल्ली लोडेड है। मतलब जैसे दुकान बैकग्राउंड देख सकते हैं, पूरी माल से जो है खचाखच भरी हुई है। सेम एज इट इज़ हमारी जो स्प्लेंडर है BS6, जैसे कि डिमांड में रहती है अपनी दिलों की जान हीरो स्प्लेंडर, तो उसमें जो है सामान फुल्ली लोड लगा हुआ है। अगर आप उसको एज अ टूरिंग में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हो रखी है, नो डाउट उसके अंदर कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको देखने को। मतलब ये लगा लो हर एक सामान जो एक रिक्वायरमेंट होती है नई बाइक में लगाने के लिए एक्सेसरीज़ की, वो जो डिमांड होती है वो इस बाइक में फुलफिल हो जाएगी देखकर आपको। मतलब LED का जो पूरा सेटअप डाला गया, इसमें बैटरी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचेगा और ना ही बैटरी की कोई लाइफ ख़राब होने वाली है और ना ही आपकी वो कोई वारंटी लैब होने वाली है। जैसे कि होता है ना कि वायर कट वगैरह होती है, तो वैसा कुछ नहीं है। सारी की सारी वायरिंग कपलर टू कपलर है और सारी की सारी जो लाइट्स में वो सारी LED है। हैलोजन का तो यूज़ ही नहीं है गाइस। मतलब ये लगा लो हैलोजन अगर होता तो मुझे पता कि इतना सारा सेटअप लगाने के बाद पक्का बैटरी पे जो है असर आने वाला था, बट अभी जो है सीन हैलोजन का यूज़ नहीं है, सारा LED का सेटअप डाला गया है। तो किस बाइक की इतनी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ उस बाइक पे अभी थोड़ी देर में ही नज़र पड़वाऊंगा। उससे पहले मैं बुलाऊंगा कन्नू को। कन्नू के अंदर आ जा। तो भाई पहले तो हेलो बोल दे। हेलो। तो भाई ये कन्नू है, देखो कितना मासूम सा चेहरा है, ये अपना छोटा भाई। मतलब ये लगा लो बहुत पहले की वीडियोस में, अभी छोटी सी क्लिप भी दिखा दूंगा, इसने मेरी गाड़ी में कई बार काम किया है, काम बहुत अच्छा करता है। मतलब एक्सेसरीज, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज होती है जो हम लगवाते हैं उसकी वायरिंग, उसका बादशाह बोलूँगा इसको। मतलब छोटी सी उम्र में इतना अच्छा काम सीख गया लड़का, मतलब इसको मतलब हैट्स ऑफ है भाई, ये लगा लो आप। तो अभी जो है इस भाई ने दुकान खोली, देख सकते हैं इसकी जो मेहनत है भाई। देखो आप कोई भी काम करो, कहीं भी काम करो, किसी के अंडर काम करोगे, किसी की जॉब पे काम करोगे, मतलब ये लगा लो आपको ये मन होगा कि अपना काम करूं। तो भाई ने भी इसी दिलाया काम करा और आज देख लो उसकी अपनी दुकान है, तो बहुत अच्छी बात है ये। इसको मैं भाई इसकी मेहनत को सलाम करता हूं। और रही बात जो काम इस भाई ने अपनी बाइक में करा है, वो मैं काम को दिखाता हूं, सारा का सारा चेकअप कराऊंगा। बट आपको एक रिक्वेस्ट है भाई आपसे कि भाई वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दी आपने तो जो लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ वो मिस कर जाओगे, फिर बाद में कमेंट करके पूछोगे कि ये कैसे और वो कैसे, ठीक है ना। तो कन्नू चलें बाइक की ओर, हैं उधेड़ दें। चलो ठीक है, तो चलो बाइक से चलते हैं। सो गाइज ये अपनी हीरो स्प्लेंडर, ये लगा लो ये BS6 मॉडल रहने वाली है 2021 की, मतलब लेटेस्ट लॉन्च है ये। और ये लगा लो भाई इसके अंदर जो एक्सेसरीज लगी है वो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये लगा लो भाई साहब कि इसके अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मतलब अगर यहाँ से डैशबोर्ड देखें इसका, तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा लुक देता है, ठीक है जी। सबके ऊपर आऊँगा बट आपको भी बता रहा हूँ शॉर्ट में कि भाई डैशबोर्ड ऐसा है। साइड से लुक दिखा दूँ तो साइड से कुछ ऐसी दिख रही है अपनी स्प्लेंडर, ठीक है जी। साइड में आपको नोटिस हो रहा होगा ये और नीचे का, ठीक है। बाकी अगर पीछे टेल सेक्शन की बात करूँ तो एज यूजुअल यहाँ पे लगी हुई है। इसके अंदर ग्रिल देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़े लग रही है। तो ग्रिल का जो खासकर जो काम होता है वो ये होता है, तो इसका जो ग्लास होता है इसकी प्रोटेक्शन होती है, प्लस इसका लुक है और एनहेंस कर देती है, ठीक है। जैसे कि बुलेट्स वगैरह की फैसिलिटी आती है कि बुलेट्स में कि ग्रिल लगा रहा तो लुक एनहेंस होता है, सेम एज इट इज स्प्लेंडर के लिए भी आती है। तो पीछे इसके अंदर एक लगा हुआ है ब्लिंकर बल्ब लगा, इंडिकेटर में लगे हमारे LED बल्ब जो कि 360 बल्ब रहने वाले हैं। ये कैसे काम करते हैं, इनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर एक बार आपको ज़रूर चेकआउट कराऊंगा, ठीक है। पीछे से इधर का खत्म, साइड भी चलते हैं। तो इधर हमको मिल जाती है टोइंग बेल्ट। टोइंग बेल्ट आपने दो तरीके की देखी होंगी, बहुत पतली पतली वाली भी आती है और एक थोड़ी कागज़ टाइप की भी आती है। बट ये वाली जो है प्रॉपर, मतलब लगा लो ये बेल्ट टाइप रहने वाली है। और ये ऐसी टोइंग बेल्ट है कि अगर कभी इन फ्यूचर अगर आपको किसी को टो करना पड़ गया तो ये 100% काम आएगी। मतलब आपको मैं एक पीस दिखा दूंगा टो बेल्ट का कि भाई मैं इसकी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाकई में तारीफ़ काबिल है। साइड में चलते हैं। तो भाई क्या होता है कि सीन, जो स्टॉक हमारी बाइक आती है स्प्लेंडर, तो उसमें क्या होता है टायर का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डाउन लगती है इसकी हाइट। बट हाइट को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करा है, इसमें लगाए हमने शॉकर लिफ्टर। तो देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन कलर के शॉकर लिफ्टर देखने को मिलेंगे, एज यू कैन सी यहाँ पर। इससे क्या हुआ, हल्की सी ना आपकी जो पीछे की हाइट है वो रेज हो जाती है और उससे बाइक का लुक जो है काफ़ी एनहेंस हो जाता है। बाकी ये है कि मैं डबल सवारी जब बैठती है तो बाइक जो है थोड़ी नीचे लगती नहीं, मतलब इसका जो लेवल है वो एकदम एक्यूरेट रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो है शॉकर लिफ्टर यहाँ पर लगे हुए। अगर साथ में बात करें पीछे पिलियन के लिए, जो पिलियन बैठता है उसकी ग्रैब हैंडल, उसकी मतलब पकड़ मजबूती बनाने के लिए, तो यहाँ पर बहुत प्यारा डेक चुन का यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है हमारा ग्रैब हैंडल, जो कि ओमटेक्स कंपनी का रहने वाला है। और ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छी, काफ़ी रिलायबल कंपनी है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। पेंट जॉब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर जो है क्वालिटी दो आती है, एक ब्लैक कलर आता है और एक सिल्वर आता है, बट इसके सिल्वर में इसको अकॉर्डिंग रखते हुए हमने यहाँ पर सिल्वर लगाया है, ठीक है ना। तो उसमें देख सकते हैं ब्लैक और सिल्वर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है।
सो अगर यहाँ से अगर साइड में चलते हैं तो इसी के नीचे हमारी नज़र जा रही है पिलियन के लिए। एक तो ये हो गया ठीक है ग्रैब करने के लिए ठीक है, और दूसरा फुट रेस्ट कराने के लिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा देख सकते हैं स्प्रिंग वाला हमारा फुट रेस्ट लगा हुआ है जो कि इसके लुक को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह कि जो हमारे इसकी एग्जॉस्ट का जो मफलर है उसका जो कवर है उसके साथ ये मर्ज हो रहा है देख सकते हैं क्रोम में, तो कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। ये लगा हुआ भी ऐसे भी अच्छा लगता है, बाकी जब इसे अप्लाई करते हो किसी को बैठाने के लिए तो उसके लिए भी अच्छा लग रहा है, तो मतलब लुक जो है बढ़ा रहा है कम नहीं कर रहा है ठीक है जी। अगर साइड से अगर बात करें इस साइड आते हैं तो बहुत ही प्यारा इसके अंदर लगा हुआ है लेग गार्ड, जो लेग गार्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैवी लुक है इसका और काफ़ी अच्छा, जैसे कि रॉयल इनफील्ड की बुलेट वगैरह आती है उसके अंदर लगता है सब वाला स्ट्रेट वाला, बट हमने इसमें स्प्लेंडर में लगाया क्योंकि स्प्लेंडर के लिए दो चार वेरिएंट आते हैं और एक वेरिएंट ऐसा आता है जिससे साइड का आजकल आपने कहा ट्रेंड में जो खुल जाता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी अगर इसकी बात करूँ लाइट की तो यहाँ पर देख सकते हैं LED लाइट लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा प्यारी, ये थोड़ी अभी आपको यूनिक सी लग रही होगी और थोड़ी अजीब भी लग रही होगी कि भाई ये क्या लगी हुई किस तरीके से काम करती है, तो इसके ऊपर भी मैं आऊँगा। बाकी दो प्यारे प्यारे यहाँ पर छोटे से आपको हॉर्न देखने को मिल रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और इसकी आवाज़ जो है डुअल टोन में काफ़ी बढ़िया निकल के आने वाली है। बात करो फ्रंट हेडलैम्प की तो वो फुल्ली चेंज कर दिया है, पूरा कस्टम हेडलैम्प लग दिया यहाँ पे जो कि पुलिस वाला रहने वाला है इसके अंदर। यहाँ पे प्रोजेक्टर भी मिलता है हमारे को, LED DRL भी मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे पुलिस लाइट का जो रिफ्लेक्टर है वो भी मिल जाएगा देखने को, और बाकी अंदर का जो डूम का कलर रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लैक, और अगर साइड से लुक दूँ तो कुछ ऐसा दिखाने को मिलता है ठीक है। इंडिकेटर अगेन यहाँ पे LED डाले हुए हैं 360 बल्ब के साथ, कैसा रिस्पॉन्स करते हैं अभी चेकआउट कराऊंगा आपको। साइड में यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है व्हील लॉक देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है ये। और अगर ऊपर की बात करें डैशबोर्ड की तो हैंडल में सबसे प्यारे हमें देखने को मिलेंगे सबसे पहले यहाँ पे दो प्यारे प्यारे एल्युमिनियम के हमारे को मिरर जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं, ये ब्लूइश थोड़ा सा कलर देने वाले हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया, और पूरा मेटल का रहने वाला है प्लास्टिक का कुछ भी नहीं है। एडजस्टेबल की बात करूँ तो ये ऐसे एडजस्टेबल होता है ठीक है जी, देख सकते हैं यहाँ पूरा एडजस्ट हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे करी है जो स्टॉक फिटिंग होती है सेम वहाँ पे। साथ में बात करूँ फॉग लैम्प की तो दो प्यारे प्यारे से हमारे फॉग लैम्प जो कि रिमूवेबल लेंस है इसका, कभी गंदे हो जाए इन फ्यूचर तो आप निकाल कर इसको कुछ इस तरीके से ये देखिए आप ये देखो, तो ऐसे ऐसे खोल के आप लेंस बाहर निकालो आराम से क्लीन करो, LED का जो पॉइंट है वो क्लीन करो देन उसको अगेन फिट कर दो। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप एलंकी मिलेगी आपको, एलंकी के साथ जो इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर एक स्पॉट पे जो है कवर नहीं कर पा रहा है तो इसको अपने आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लुक जो है कुछ ऐसा आने वाला है मतलब कि विजिबल भी नहीं हो रहा है, इतना हाईलाइट भी नहीं हो रहा, और छोटा सा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको देखना है कि आपको प्लेसमेंट इसकी हैंडल बार पर करानी है या लेग गार्ड पर करानी है, तो दोनों जगह कंपैटिबल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर बात करें वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड की तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपनी खुशी में लगा रखी है वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड, बट उसके अंदर क्या था कि सीधी रॉड थी, बट यहाँ पे जो है ना LED को जो है फोकस करते हुए यहाँ पे LED की छोटा सा यहाँ पॉइंट मिल जाएगा देख सकते हैं जो कि डुअल टोन रहने वाला है, व्हाइट एंड येलो का टच मिलेगा देने को ठीक है जी। और बाकी ये जो है एडजस्टेबल है, इसमें आप देख सकते चूड़ियाँ बनी हुई है, इससे आप इसे घुमा के जो एडजस्ट कर सकते हो ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे बटन्स की तो कितने सारे बटन देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4, तो चार बटन है, इन चारों का अलग अलग काम है। जैसे कि आपको बताता हूँ गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे इंजन की लाइट आ जाएगी, न्यूट्रल लाइट आ जाएगी, बट यहाँ पे जैसे इसको देखेंगे ये ऑफ है, और इसको ऑन करेंगे तो हम ये देखिए सामने लाइट जल जाएगी, ये देखिए तो ये लाइट जल गई है। बाकी मैं कन्नू तू अब आ जा, अब जो है लाइट जल दिखा दिया, तो भाई इस लाइट का रिस्पॉन्स देखो पहले कैसा है। तो ये जो हो गया इसका ये फॉग लैम्प हो गया, सॉरी प्रोजेक्टर हो गया, और साथ में दो DRL हो गए ठीक है। इसकी लाइट जो है बहुत ज़्यादा तेज है, मतलब मेरी आँख में लिटरली लग रही है। बाकी इसको बंद करके पुलिस लाइट जलाओ ज़रा, तो भाई ये पुलिस लाइट है, ये ऐसे ब्लिंक करने वाली है ठीक है जी, और स्टे मोड भी तो होता है इसके अंदर, ये स्टे मोड है, तो ये स्टे मोड हो गया। बाकी साइड से लुक चेकआउट कर लो ये देखिए ठीक है। बाकी इसका फोकस जो है लाइट का वो दिखा देता हूँ, अभी क्या है डे लाइट कंडीशन है देख सकते हैं आप। बाकी अंदर में फिर भी कोशिश करूँगा ये जल जाए कुछ, पता चल जाए। हाँ लाइट ऑन कर दे अंदर की, अब बल्ब मेन वाला ये देखिए गाइस, ये देखो पूरा जो है विजिबल हो रहा है, लाइट ऑन ऑफ कर, हाँ ये देखो मार मार, ये देखो जी, तो इसका लाइट का जो फोकस काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। अगर लाइट की बात करूँ ये बंद कर दे फॉग, तो गाइस अब बात करेंगे हमारे जो लेग गार्ड पे लाइट लगी हुई है, लाइट मतलब फॉग लैम्प कम LED के स्ट्रिप ज़्यादा बोलूँगा, बाकी ये डुअल टोन रहने वाली है, तो भाई ज़रा जल्दी कैसे चलती है। तो ये देखो पहले वाइट रहने वाली है देख सकते हैं, काइंड ऑफ ट्यूब लाइट जैसे होती है वैसे ठीक है। इसकी रोशनी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, बहुत कम भी बोलूँगा, मीडियम रेंज में बहुत अच्छी लाइट है, बट यूनिक लाइट है, मतलब फॉग लैम्प पे लगाओगे अच्छा लगेगा। बाकी इसमें दूसरा मोड
तो ये मैट्रिक स्टाइल में देख सकते हैं, इंडिकेटर के साथ ये काम कर रही है, ये देखिए। तो इंडिकेटर का जो एलईडी है, जो मतलब फोकस है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, देख सकते हैं आप। तो ये 360 बल्ब है, इसके अंदर 100 रुपीज़ ईच रहने वाला है। और बाकी ये फॉग लैंप के अंदर लाइट, जो फॉग लैंप है, फॉग लैंप समझ लो या इंडिकेटर वाला DRL समझ लो, जो भी आप समझो वो समझ लो। बाकी ये है कि इसकी प्लेसमेंट जो है वो लेग गार्ड पर रहने वाली है, हैंडल बार पर आप कर सकते हो, बट लेग गार्ड पर ज़्यादा अच्छी रहेगी और इस वाले लेग गार्ड पर ज़्यादा कंपेटेबल रहेगा, मतलब मूव भी नहीं होगा, एकदम फिक्स रहने वाली इसकी फिटमेंट। और बाकी अगर हैजार्ड की बात करूँ तो हैजार्ड ऑन करना ज़रा, तो ये देख सकते हैं गाइस तो कैसे ये काम कर रहा है हैजार्ड के साथ, ये देखिए आप। तो ये नीचे वाला जो है हमारा कर रहा है कुछ काइंड ऑफ मैट्रिक्स स्टाइल में, और ऊपर हैजार्ड बल्ब ऑन कर रहा है। इधर से पैटर्न चेंज करना भाई, फास्ट वाला कोई, फास्ट वाला, ये देखिए आप तो कितना अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, फास्ट वाले में क्या हो रहा है कि इसका मैट्रिक्स काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी रनिंग फास्ट हो रही है, इसकी वजह से खाली एक कोने वाला पॉइंट जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, चेंज करो पैटर्न, ये देखो आप क्या बात है। तो जब ये फास्ट हो रहा है तो वो ब्लिंक कर रहा है, बाकी वो मैट्रिक्स सेल में अपना काम कर रहा है, तो ये देख सकते हैं। बाकी अगर बात करूँ सेम ऊपर, तो जो हमारी कंट्रोल रॉड है, वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड, वो भी सेम इसमें काम कर रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखो क्या बात है। तो बेसिकली क्या है कि इसको कन्नो सीधी भी हो जाएगी ना ऊपर, ये चाहो तो, है ना। तो गाइज ये जो है ना मूवेबल है, मतलब अगर आपको ऊपर रखनी है अपने फेस पे एटमोसफेयर लाइट चाहिए तो वो भी हो जाएगी। बाकी मेरे हिसाब से तो फ्रंट में रहनी चाहिए, देखिए आप। अभी डे लाइट कंडीशन में इतना विजिबल नहीं होगा, बट सीरियसली अगर रात में देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है। और भाई इसके अंदर वो आजकल चल रही है इंजन के ऊपर लाइट पड़ने वाली, वो है क्या अपने पास लगी हुई इसमें? अच्छा, लगा रखी है, क्या बात है। तो ये देखिए भाई क्या बात है। तो इसमें भाई डुअल टोन, वही सेम पुलिस वाली लाइट का जो है टच मिलने वाला है। यहाँ पे छोटा सा एलईडी का सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें क्या है कि भाई ये पूरी लाइट जो पड़ेगी रात में इंजन पे तो काफ़ी अच्छी लगेगा। नीचे की रोशनी काफ़ी अच्छी आ रही है, बट अभी कैमरे में जस्टिस नहीं होगी, बट इंजन पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए इसकी प्लेसमेंट यहाँ रखी है, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके लिए कोई वायर वायर कट नहीं होती तेनू है? ठीक है, सही है। तो ये हो गया हमारा एलईडी का सेटअप। अगर बात करें फॉग लैंप की, छोटे छोटे से फॉग लैंप आपको दिख रहे हैं, बड़े छोटे हैं, इनके साइज से मत जाना, इनका जो फोकस है वो बहुत खतरनाक है, मतलब समझ लो इस एलईडी हेड लैंप का ही समझ लो बाप है, छोटे छोटे से। ठीक है, तो इसका फोकस चेकआउट कराता हूँ आपको मैं, अभी एक मिनट दिखा देता हूँ। अभी दुकान में देखो अंधेरा हो रहा है, ठीक है, बट थोड़ा तबीयत रहो ना, दुकान में देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है, बट जैसे ही ऑन करेंगे, ये देखिए आप, ये देखो भाई क्या फोकस मार रहा है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा वाइट कर दो इसको, ये देखो जी, तो वाइट जो है ऊपर जा रही है लाइट, वो सेटिंग हो जाएगी। बाकी अगर मैं अंदर से दिखाऊँ आपको, ये देखो जी क्या फोकस है। ऑन ओवो कर, येलो कर, तो देख सकते हैं आप फोकस बहुत ज़्यादा तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा फोकस है इसका, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और छोटे के छोटे हैं, ऑसम है, मतलब ये लगा लो। तो गाइस ये लाइट तो आपने देख ली है, बाकी अभी हेडलाइट को जो कंट्रोल कर रहा है वो स्विच दिखाया था आपको, ये मतलब ये लगा लो ये दो काम कर रहा है, एक तो चार्जिंग का ही पॉइंट मिल जाता है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ रही है ब्लू वाली, इससे यहाँ पे अपना USB केबल लगाओ, अपना मोबाइल वोबाइल चार्ज कर सकते हो आप। बाकी ये हेडलैम्प के लिए है, ये देख सकते हैं आप, यही बंद पड़ा हुआ है, जैसे ही वहाँ से ये भाई ऑन करेगा यहाँ पे हमारी DRL आ जाएगी, और ऊपर से वहाँ से कंट्रोल करेगा तो हेडलाइट जल जाएगी। ठीक है ना, तो ये सही है, मतलब नई बाइक आप ले रहे हो, चाहे आप LED सेटअप लगाओ या मत लगाओ ये वाला, लेकिन आप ये है कि अगर ये स्विच आप लगाते हो तो उसमें ये होगा कि आपकी हेडलाइट भी बंद हो जाएगी, जो हैलोजन जलता रहता है वो भी नहीं जलेगा, और आपकी बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। प्लस ये होगा कि आपको चार्जिंग का पॉइंट भी मिल जाएगा, जैसे कि वह तो यहाँ कंपनी आप दे रही है, लेकिन आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, तो दो दो सेटअप हो जाएगा आपका, एक चीज़ से वो चार्ज करो, एक चीज़ से चार्ज करो। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो बटन्स लगे हुए हैं, ये हो गया हमारा जो फॉग लैंप लगे हैं, इसको वाइट करने के लिए है, और अगर इसको बंद कर देंगे यहाँ से तो फिर येलो काम करेगा, है ना, ऐसे कुछ रहने वाला ना। बाकी मैं चेकअप कराया था एक बार, जैसे ये पहले हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप येलो लाइट जल रही है। ठीक है, और इसको मैं अगर बंद कर देता हूँ और इसे ऑन करता हूँ तो वाइट जल रही है। ठीक है, ये देखो जल रही है वाइट, अगर वाइट के साथ मैं इसे येलो ऑन करता हूँ तो येलो का भी टच आ जाएगा। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ काम रहने वाला है। अगर बात करें इसकी ग्रैब हैंडल की, तो यहाँ पे जो है सिल्वर लगाया है अलॉय व्हील को देखते हुए, बाकी इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, ब्लैक वाला भी और ये वाला सिल्वर वाला भी। ठीक है, अगर इसके अंदर स्टॉक लगा के रखना है तो उसमें यहाँ पे मैं टॉप बॉक्स का भी अरेंजमेंट करा हुआ है, टॉप बॉक्स वाला दिखाना ज़रा, जैसे मैंने खुशी के अंदर लगा रखा है, लाइट जला दो, वो बॉक्स वाला ये रहा, ये रहा, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है टॉप बॉक्स भी अवेलेबल है छोटे वाले, अगर आप चाहो तो, जैसे मैंने अपनी खुशी के अंदर लगा रखा है वॉलेट बॉक्स वो लगा सकते हो। बाकी और बहुत सारे यहाँ पे हेलमेट्स वगैरह हैं,
और सारे मतलब अगर बॉडी के कोई पार्ट चाहिए आपको तो वो भी मिल जाएंगे प्लास्टिक के। बाकी सारा सामान मतलब कैरियर, लेग गार्ड देख सकते हैं यहाँ पे, सारा का सारा सेटअप यहाँ पे लगाया। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हो कोई चीज़ आपको चेंज करवानी है तो भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ना स्मोक रैप हो रखी है और बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कोई एक भी बबल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, या कोई एक होता ना कि भाई प्लास्टिक का जो मतलब जो रैप लगाई है उसकी कुछ फिनिशिंग ऐसी हो जो अनइवन शो कर रही हो। देख सकते हैं आप ये देखो अंदर का जो ग्राफिक है ये भी एकदम 0-0 हुआ है। बाकी अगर बात करूँ एजेस की तो एजेस देख सकते हैं आप कितना बढ़िया, देखो ये देखो किस तरीके से यहाँ पे इसको प्लेस किया हुआ है जो इसमें दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी प्रोटेक्शन के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हल्का सा बॉर्डर लगाया ताकि ये जो है निकले ना, वैसे तो निकलता नहीं है लेकिन फिर भी ये होता है कि प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। अगर बात करूँ टैंक की तो टैंक देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे फिनिश में यहाँ पे करा हुआ है, देख सकते हैं आप ये देखिए तो फुल ग्लॉस रहने वाला है। रही बात अंदर ग्राफिक की तो वो विजिबल होता है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भैया स्मोक करा देंगे तो हमारे टंकी का जो स्टिकर है वो छुप तो नहीं जाएगा, तो भाई बिल्कुल छुपेगा नहीं। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हीरो की बैजिंग दिखाई दे रही है, अंदर का ग्राफिक दिखाई दे रहा है और उसका जो कलर है मतलब थोड़ा सिल्वर फिर ब्राउनिश फिर ब्लैक जो टिंटेड आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा पूरा जो कलर है वो विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात एज की एजेस की तो एजेस में यहाँ पे देख सकते हैं एज यू कैन सी यहाँ पे हमने बॉर्डर जो है अप्लाई किया हुआ है हर बार की तरह, इससे क्या होता है ये खिंचता नहीं है, वैसे तो खिंचेगा नहीं कभी भी। आप याद रखना आप यहाँ पे कराओ या कहीं भी कराओ, बस मेक श्योर ये ध्यान रखना जब भी किसी से कोई भी पीस करा रहे हो आप रैप तो उसको बोल देना भाई बिना खींचे लगाएगा तो ठीक है, क्योंकि खींच लगाने क्या होता है कि इतना सा पीस इतने बड़े एरिया को कवर कर तो लेता है लेकिन बाद में क्या होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये ध्यान देना है जब भी रैप करा रहे हो तो ये चीज़ खींच के ना हो, प्यार से हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो टैंक आपने देख लिया कितना अच्छे से फ्रेश करा हुआ है। बाकी अगर पैनल की बात करूँ तो पैनल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है इसमें बबल देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई से अनइवन मिलेगा देखने को। ये देखिए आप पेंट तो प्रोटेक्शन हो गया, इंजन प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये लगाई हुई इंजन गार्ड प्लेट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया, और जैसे कि मैं इसको फील कर पा रहा हूँ काफ़ी हैवी मटेरियल की है। भाई कन्नू एक पीस लाइयो ज़रा, तो एक पीस ही दिखाया था आपको मैं, वैसे ये फिट करा हुआ काफ़ी हैवी लग रहा है वरना तो ये हाथ से मुड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ पतली पतली आ रही है। दिखाओ भाई तो देखो कितना हैवी मटेरियल आ रही है, काफ़ी हैवी है देखो, बहुत हैवी भाई ये तो नहीं गले की तो नहीं, बिल्कुल भी हैवी है, काफ़ी अच्छा काफ़ी मतलब ये लगा लो एक एम एम की कम से कम ये शीट रहने वाली है जिससे इंजन गार्ड बना हुआ है, ठीक है जी। और तो बाकी ये लगा लो इसके अंदर सारा सामान मैंने आपको दिखाई दिया है। अगर बात करें थोड़ी कम्फर्ट्स की तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे यहाँ पर मॉक्सी कंपनी की हमारे पास जो है वो रहने वाले हैं, थ्रॉटल ग्रिप रहने वाले हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मतलब सॉफ्ट है, ग्रिप अच्छी आ रही है इसके अंदर। ये देखिए इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, कुछ कमी रह गई हो इस काम में या कुछ कमी रह गई हो और इसके अंदर की भी इसमें इंस्टॉल होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन ऑल योर्स आप बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई इस बाइक के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए थी। बाकी अगर बात करें टूरिंग की तो कोई स्ट्रीट मॉडिफिकेशन सारी की सारी, अगर आप चाहो कि हाँ भाई हमें टूरिंग करनी है इस बाइक पे तो उसमें मॉडिफिकेशन क्या करना है, तो ऐसी मॉडिफिकेशन करा के सिर्फ आपने क्या करना है कि जो शीशे लगे हुए हैं ठीक है इसको रिप्लेस करके एक दूसरी हाइट वाले शीशे आते हैं वो लगा लो, और पीछे जो ग्रैब हैंडल है उसे चेंज करा कर आपने स्ट्रोक वाला जो गार्ड आता है वो लगवा कर मतलब ग्रैब हैंडल वो लगवा के उसके ऊपर छोटा सा जो टॉप बॉक्स मैंने आपको दिखाया अंदर दुकान में टॉप बॉक्स वो लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि ये टूरिंग मॉडिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी अगर रही बात टायर की तो टायर आप ऑन रोड ऑफ रोड डाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये स्ट्रीट मॉडिफिकेशन वाली जो स्प्लेंडर थी फुल्ली लोडेड, ये आपको कैसी लगी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है ये स्प्लेंडर, ठीक है ना। ज़रा हॉर्न सुना दो भाई, सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो ये बाइक ये काम ये पसंद आया होगा। और दुकान जैसे कि आपको मैं बताया दुकान के बारे में, तो अभी नज़र मारेंगे दुकान के एक कुछ टूर पे छोटा टूर कराऊंगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि दुकान में क्या क्या सामान है, किस तरीके की लाइटें हैं, कैसे हॉर्न हैं, कैसे सामान मिल रहा है, तो अगर चाहते हो कि दुकान का पूरा प्रॉपर एक टूर कराऊं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया दुकान का टूर कराओ, हमें देखना दुकान में सामान क्या क्या अवेलेबल है अभी, तो उसी अकॉर्डिंग फिर हम सामान खरीदेंगे। तो अगर आप कहते हो तो मैं दुकान का पूरा टूर वाली वीडियो बना दूंगा। बाकी फॉग लैंप जो है यहाँ पे
कम से कम 10-12 वैरायटी में फोगलैम यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कहोगे प्रॉपर फोगलैम के ऊपर, तो प्रॉपर फोगलैम के ऊपर वीडियो बना दूंगा। मतलब जिस तरीके की आपको वीडियो चाहिए, जिस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, बताना कमेंट सेक्शन में, बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी फटाफट से सिनेमैटिक में आप म्यूजिक के साथ जो है दुकान का टूर जो है वो एंजॉय करो। बाकी बैकग्राउंड में खड़ी है अपनी स्प्लेंडर जो कि फुल्ली लोडेड रहने वाली है। तो गाइज होप करता हूँ कोई पसंद आया होगा। चलो ये आप टूर देखो, देन उसके बाद करते हैं वीडियो क्लोज। स्टे ट्यून्ड। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। और बाइक कैसी लग रही है बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है।